ये डी शार्प है, बेस में डी शार्प, इसका भी एक फिंगरिंग जिसे हम कस्टमाइज बोल बोलेंगे, ये कस्टमाइज बना के इस प्रकार से हो यू कैन इजीली प्ले, यानी कि आपको गर्दन को इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है, इजीली यू कैन प्ले उतना इस प्रकार से। इसी प्रकार से मैं आपको डी बेस दिखा देता हूं, ये डी बेस है, ये डी बेस, इसे ये भी कस्टमाइज है, विदाउट कस्टमाइज वाले, और इसका फिंगरिंग देखिए इजी कितना प्ले होता है विदाउट ऑल में दिखा देता हूं आपको। ये कस्टमाइज की हुई डी बेस है और ये विदाउट कस्टमाइज की हुई डी बेस। तो इससे क्या होता है, ये इस प्रकार से आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है, ये भी स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, और सभी ये होल एक लाइन में होने की वजह से आपको इस प्रकार से ये हाथ को थोड़ा ऊपर लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा देर तक ये प्ले नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस। जैसे मैंने बाकी स्केल भी कस्टमाइज किया है, जैसे ई बेस तक कस्टमाइजेशन आप इजीली कर सकते हो जिससे कि आपको प्ले करने में आसानी हो, ठीक है। ये इस प्रकार से ई बेस है, इसका भी मैंने कस्टमाइजेशन करके ये लास्ट वाले होल और ये होल को किया है, और इसका फिंगरिंग बहुत ही ईजी है, यानी कि आप जी बेस जैसे प्ले करते हैं उसी प्रकार से इस प्ले करना है, बिल्कुल डिस्टेंस ही नहीं है इसमें, इजीली कर दे। इजी प्ले हो जाता है, इनमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि आप यहाँ तक प्ले कर सकते हो, जैसे अभी मेरे अकॉर्डिंग टू माय स्टाइल इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है ई बेस के लिए, कस्टमाइज मैंने जो बनाया।